शीशी और बोतलों में भरी इस नीली चीज की इस वक्त देश में हर किसी को बेहद जरूरत है। ये वही नीली चीज है जिसे लोग घंटों मेडिकल स्टोर के बाहर लाइन लगाने के बाद खरीद पा रहे हैं। दरअसल ये सैनिटाइजर है जिसे लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त बाजार में बेहद महंगे और मुश्किलों से मिल रहा है। धर्म के अंदर अवैध रूप से सैनिटाइजर का निर्माण किया जा रहा है और जिसका कोई लाइसेंस नहीं है और ये कोरोना वायरस की बढ़ती डिमांड को पूरी करने के लिए ये लोग अवैध रूप से और अधोमानक प्राप्त हैं। अब जब जाँच के बाद पता चलेगा कि अधोमानक है नहीं, अभी तक तो एक लोग आया है संज्ञान में, उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाए। दरअसल सैनिटाइजर की बढ़ती डिमांड और लोगों की मजबूरी ने इन मुनाफाखोरों को मौका दे दिया है जिसका ये फायदा उठा रहे थे। फर्जी सैनिटाइजर का ये खेल केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में भी सामने आया है। यहाँ भी ड्रग विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में फर्जी सैनिटाइजर पकड़ा है। इसमें मौके पर जो नकली सैनिटाइजर वहां पर मिला है और इसमें 90 लीटर के करीब मिला है। इसके अलावा 600 लीटर एक केमिकल अलग से मिला है, 20 लीटर ग्लिसरीन और 35,000 प्रिंटेड लेबल, प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन आदि मिले हैं। इस अवैध फैक्ट्री जो वहां पर थी बनाने की या उसको पैक करने की, इसको सील कर दिया गया है और जितने भी इसमें प्रदर्श थे उनको एग्जामिनेशन के लिए संबंधित विभाग में या प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। अब जरा बाजारों का हाल भी देख लीजिए। सैनिटाइजर और मास्क बाजारों से करीब करीब पूरी तरह से गायब है। लोग सैनिटाइजर के लिए भटक रहे हैं फिर भी उन्हें बड़ी मुश्किलों से सैनिटाइजर मिल पा रहा है। पूरे विश्व में ये जो कोरोना वायरस एक महामारी बन चुकी है तो ऐसे में हर जगह बड़े स्तर पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसी वजह से इसकी ज़बरदस्त शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। आगरा के एक मैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूं, उनके जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप प्रॉपर सप्लाई दे पा रहे हैं, कोई अगर आपसे मास्क या सैनिटाइजर मांग रहा है? अभी प्रॉपर सप्लाई बाज़ार में आई नहीं है, जिस वक्त आ जाएगी रेट सही हो जाएंगे। अभी बीच में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, अब पता लगा है कि 2-4-5 दिन में व्यवस्था होने की संभावना है। मिल ही नहीं रहा, इसीलिए तो पहने नहीं है ना बच्चे, ना हम इजीली क्या मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल शॉर्टेज चल रही है ना सैनिटाइजर की ना मास्क की। कॉलेज बंद कर दिए गए और सब बंद कर दिए इसलिए क्योंकि मिल ही नहीं ना मास्क वगैरह, बिल्कुल मिल ही नहीं रहे तो लगा ही नहीं पा रहे। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खौफ पर अगर मुनाफाखोर सक्रिय हो रहे हैं तो सरकार भी हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए है। लोगों की मजबूरी और कालाबाजारियों के मंसूबों को भांपते हुए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत अब हर मेडिकल स्टोर वाले को अपना स्टॉक और रेट सार्वजनिक करने होंगे। समस्त सैनिटाइजर विक्रेताओं को और जो फेस मास्क है उनके विक्रेताओं को ये जारी किया जा रहा है कि वो अपनी दुकान के सामने मास्क का दाम, सैनिटाइजर का दाम अंकित करेंगे, उनके पास क्या स्टॉक है उसको भी अंकित करेंगे, क्योंकि ये चीज दोनों चीजें इसी एक्ट के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो इसी एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद और लखनऊ में नकली सैनिटाइजर बनाने वालों का खुलासा होने से साफ है कि मुनाफाखोरों का नेटवर्क पूरे प्रदेश में फैला है। हालांकि ड्रग विभाग इन मुनाफाखोरों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की बात कह रहा है। लखनऊ से संतोष के साथ, गाजियाबाद से विपिन और आगरा से नितिन की रिपोर्ट, ABP गंगा।